हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यम पाठक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th. सो लेट अस डिस्कस अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस और अदर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस, मैनी क्वेश्चंस ऑफनली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वॉट इज मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड वॉट इज एलिमेंट, प्योर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड सो मच थिंग. सो लेट अस स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है. आपने क्लास 8 में भी आपने पढ़ रखा होगा कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है. मतलब कहने का ये है कि धातु और अधातु क्या होता है. तो हम लोग ज़्यादा बेसिक पे बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा हायर रखेंगे. देखिए, एक छोटा सा अगर आपसे कोई बात अगर पूछ लेता है कि ज़रा बताइए कि हम किस चीज़ों को मेटल बोलते हैं, किन किन चीज़ों को मेटल बोल सकते हैं, नॉन मेटल किन को बोलेंगे, तो बस आप उनको एक चीज़ बोलिएगा. आप उन्हें बोलिएगा कि मेटल कोई भी चीज़ है कि नहीं, ये यही चीज़ डिसाइड कर देगा 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स. अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है, अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये भी श्योर है कि वो मेटल होगा. कहने का ये मतलब है, जैसे आप समझिए सोडियम Na, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है. तो कहने का ये मतलब है अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जो तत्व है, ये जो एलिमेंट है, ये है धातु. ये क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा. ठीक है ना. अगर दूसरा देखें मैग्नीशियम 12 देखेंगे, 2, 8, 10 हो गया 2. तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है, ये तत्व, ये मेटल कहलाएगा. और नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल में हम बोल देंगे, नॉन मेटल में हम लोग बोल देंगे 4, 5, 6, 7. अगर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 7, 8, तो वो क्या है, नॉन मेटल है. 4, 5, 6, 7 अगर हो जाए तो नॉन मेटल है. कहने की मतलब, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि कार्बन जैसे कि होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 होगा. तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये है हमारा एक अधातु. ये क्या है, अधातु है. ठीक है ना. तो इस तरह से आप समझिएगा कि धातु और अधातु का एक, अगर आपको कभी भी डिफ्रेंशिएट करना हो तो आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल डिसाइड करता है कि कोई भी एलिमेंट मेटल होगा या नॉन मेटल होगा. ये आपके पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, आप चेक करिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, उसके हिसाब से आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा. ये एक इम्पॉर्टेंट हम लोग डिफरेंस ये है हमारे लिए. दूसरी बात, इसी चीज़ से आप एक और चीज़ पता कर सकते हैं जो कई बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और भी अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. पहली बात तो ये, आपसे एक एलिमेंट दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल में ये जो तत्व है वो कौन से आवर्त में है और इसका ग्रुप संख्या क्या है. तो दो चीज़ें आप लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए ध्यान से. जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे सोडियम ले लेते हैं. ठीक है, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है. कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए तो 2, 8, 1 होगा, 2, 8, 10, 2, 8, 10 हो गया और 1, 11. तो यहाँ पे आपको देखना है इनके जो ऑर्बिट है या कक्षा कह लीजिए, इनके जो कक्षा है, जो शेल है, वो कितने हैं, 2, 8 और 1. तो यहाँ पे 2, 8, 1 कितने हुए, 3. यहाँ पे कितना हो रहा है, 3. तो ये जो है 3, ये है आवर्त, ये है आवर्तों की संख्या. कितना है, 3 आवर्त. मतलब कि जो आपका पीरियड है वो थर्ड नंबर पे है. और अगर आपको ग्रुप पता करना है तो आप बोलिए 1 यहाँ पे बच रहा है आउटर मोस्ट सेल में, तो आप 1 में 10 ऐड कर दीजिए.
तो निकल के आएगा 11। तो 11 नंबर का जो आपका जो वर्टिकल रॉ है जिसको हम ग्रुप कहते हैं उसमें ये तत्व आपको मिल जाएगा। पीरियोडिक टेबल लेके आप चेक कर सकते हैं। उसी तरह से और अगर आप दूसरा देखना चाहें तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग सीखेंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें तो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। के लिए मान लेते हैं एल्यूमिनियम ले लेते हैं, 13 नंबर पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 3 यही होगा। तो कक्षाएं कितनी है, 1, 2, 3 KLM। तो आप बोलिएगा ये कौन से आवर्त में, कौन से पीरियड में है ये तत्व एल्यूमिनियम, तो बोलिएगा पीरियड नंबर 3। क्या बोलेंगे, पीरियड नंबर 3 में है ये तत्व। और अगर आपसे पूछ ले ग्रुप नंबर बताइए, ग्रुप नंबर क्या होगा, तो ग्रुप नंबर आप कैसे बताएंगे, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसमें 10 जोड़ देना है। अगर ये 8 से नीचे है, अगर 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, अगर 1, 2, 3 बच जाता है, 1, 2, 3 बच जाता है, 1, 2, 3 बच जाता है, तो 10 उसमें जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे। तो 3 बच रहा है उसमें 10 जोड़ देंगे, बोलेंगे 13 नंबर के ग्रुप में ये हमारा एल्युमिनियम लाई करता है। एल्युमिनियम जो हमारा एलिमेंट है वो पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 13 में होता है। उसी तरह से और अगर आप चेक करना चाहें, और मान लीजिए अगर आपको पोटेशियम का देखना है, अगर आपको पोटेशियम का देखना है या मान लीजिए आपको कैल्शियम का देखना है, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, आप बोलेंगे 2, पहला 2, 8, 10 हो गया, फिर 8 दे देंगे, 18, 2। तो यहाँ पे आप देखिए 1, 2, 3, 4, तो आप समझ गए कि नंबर ऑफ पीरियड कितना होगा, कौन से ये पीरियड में, कौन से आवर्त में है, तो चौथे आवर्त में है। और अगर आपसे ग्रुप नंबर पूछे तो यहाँ चेक करना है 1, 2, 3 है कि नहीं, अगर है तो उसमें 10 जोड़िए, तो 2 में 10 जोड़ेंगे तो 12, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया ग्रुप नंबर 12। तो यहाँ से ये दो चीज़ें अच्छी बात है आपको पता चला। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताइए, तो मेटल्स कैसे, क्या हम लोग कैसे मतलब कि देखते हैं डिफरेंस, दो तरह से क्लासिफाई किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन में जो डिफरेंस है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपसे कोई पूछ ले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए, तो आप ये बोलिएगा कि मेटल्स जो होता है वो जनरली चमकदार होता है, मेटल्स आर जनरली साइनी, मेटल्स आर साइनी, मेटल्स आर लस्टर, मतलब क्या होता है, चमक होता है मेटल्स में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसी तरह से मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का ये मतलब हुआ, मेलिएबल मीन्स इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेलिएबल का मतलब ये हुआ, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब मेटल को हम लोग पीट के, हथौड़े से पीट के या किसी भी चीज़ से पीट के उसको चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पतले पतले शीट्स के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया डक्टाइल क्या होता है, अब बोलिएगा मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है, डक्टिलिटी मेटल का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। डक्टिलिटी मीन्स किसी भी मेटल को इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब कोई भी मेटल जिसको हम लोग ड्रॉ करके खींच के पतले पतले वायर में हम लोग कन्वर्ट कर दें तो वो डक्टिलिटी कहलाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर नोन एज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एग्जांपल के लिए याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि एक ग्राम सोना से 2 किलोमीटर पतला तार बनाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने को लेकर हम 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं, मतलब इतना वो पतला हो जाता है कि दिखता भी नहीं है, इनविजिबल हो जाता है कि नहीं। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक ग्राम चांदी से, ये था सोने के लिए AU, और 1 ग्राम सिल्वर को हम लोग 200 मीटर लंबा तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बताइए कितना ज़्यादा मेलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मेलिएबल कौन है, तो गोल्ड, उससे कौन है, तो सिल्वर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर बोलिएगा, सिल्वर, कॉपर, ये सब बेस्ट
कंडक्टर्स होता है। अब कंडक्टर्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, वो गुड कंडक्टर्स कहलाता है। इंसुलेटर समझते हैं आप, पढ़े होंगे क्लास 8 में, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग डिफाइन करते, मतलब डिफरेंस करते हैं मेटल नॉन मेटल के बीच में। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत बेसिक है कि मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, कुछ कुछ एक्सेप्शन है जैसे सोडियम पोटेशियम, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विथ अ नाइफ, सोडियम पोटेशियम को एक चाकू से काटा जा सकता है, तो ये एक्सेप्शंस है, बिकॉज केमिस्ट्री इज एन एक्सेप्शन, क्लियर है ना। तो ये हो गया, मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, मेटल्स हैव हायर डेंसिटी, मेटल्स का जो डेंसिटी घनत्व होता है वो काफ़ी अधिक होता है, लेकिन नॉन मेटल के कंपैरिजन में अधिक होता है, नॉन मेटल का कम होता है डेंसिटी। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब हमेशा मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, क्या करता है, दान करता है, डोनेट करता है। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तो इसलिए हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ये क्या है, मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, बट नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एग्जाम में पूछ लेगा सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो FON फ्लोरीन, FO ऑक्सीजन और N नाइट्रोजन, FON याद रखिएगा। इस तरह से और कुछ छूटा क्या, तो मेटल सोनोरस होता है, मेटल डक्टाइल होता है, मेटल मैलिएबल होता है, मेटल लश्चर होता है, मेटल में साइन होता है एक विशेष प्रकार का, मेटल क्या होता है, हायर डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और मेटल क्या होता है, मेटल स्ट्रांग होता है। मेटल जो होता है, मेटल के अंदर ब्रिटललेसनेस का गुण पाया जाता है। ब्रिटललेसनेस का गुण मतलब क्या हुआ, ब्रिटल मतलब होता है भंगुरता, पटक दीजिए तो बिखर जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, ये कहलाता है ब्रिटललेसनेस। मेटल होता है ब्रिटललेसनेस का गुण, पटकिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मार दीजिए सर पे धड़ाम से यहाँ फूट जाएगा, तो मेटल क्या होता है, ब्रिटललेसनेस की क्वालिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, ब्रिटल होता है, भंगुर होता है। लेकिन कुछ कुछ मेटल ऐसे हैं जो ब्रिटललेसनेस का गुण नहीं दिखाते, जैसे जिंक, ZN जो आपका है जिंक है, वो ब्रिटललेसनेस का गुण उसमें नहीं होता है, है कि नहीं। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। नॉन मेटल में आइए, नॉन मेटल में बोलेंगे नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट, बिकॉज ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, मतलब कहने का क्या है कि ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, सो इट कैन बी सेड दैट ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं, कुछ कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एक्सेप्शंस इसमें कुछ कुछ आते हैं, है कि नहीं। तो मेटल्स और अगर डिफाइन करें तो बहुत सारा हो सकता है। ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिटवीन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। इफ़ वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो हम क्या कह सकते हैं, पहला तो हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पहली बात तो ये हो जाएगा। मेटल्स आर when metals react with oxygen, when metal reacts with oxygen it produce metallic oxide, metallic oxide जो होता है वो basic in nature होता है, non metallic oxide जो होता है acidic in nature होता है, ठीक है। जैसे CO2 carbon dioxide क्या है, non metallic oxide है तो वो acidic होगा, carbon dioxide क्या होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा उसका प्रकृति। लेकिन जैसे मान लेते हैं आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, बेसिक होगा। उसमें अगर आप रेड लिटमस डालेंगे तो नीला हो जाएगा, लेकिन CO2 में अगर आप नीला लिटमस डालेंगे तो रेड कर देगा। तो कुछ कुछ ऐसे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। 10 मार्क्स के लिए अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पूछा जाएगा व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इसके बाद मतलब पार्ट टू में हम लोग क्या करेंगे, लिख के, ये तो मैं अभी बस बोल रहा हूँ, मैंने कुछ लिखा नहीं है, इंट्रोडक्शन दे रहा था चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे। अब स्किप नेक्स्ट वाली पार्ट में मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जितने भी इस मेटल एंड नॉन मेटल से के रिएक्शंस हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड हो गया, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल। सो दिस वीडियो इज़ आवर वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड यही तक हम लोग
फिनिश करते हैं। चैनल के साथ जुड़े नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। टिल देन टेक केयर।